जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार श्रीवास्तव ने किया। लोक अदालत का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया। शनिवार को आयोजित लोक अदालत में कुल 37,126 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें मोटर क्लेम से संबंधित 21 वादों, पारिवारिक मामलों के 28 वादों तथा प्री लिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंकों से संबंधित 914 वादों का निस्तारण कर 1,53,44,045 रुपए की छूट प्रदान करते हुए 1,37,82,297 रुपए नगद जमा कराया गया। लोक अदालत के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राधिकरण के सचिव नुसरत खान ने बताया। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने अपने आगमन के प्रथम दिन ही यह स्पष्ट कर दिया कि वो प्रतिबद्ध है और हम सभी लोग उनके इस कार्य के लिए सहयोग देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। प्रतिभावान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, हम उनसे जो है प्रेरणा लेते हैं, वादों का निस्तारण जो है सब लोग के आधार पर करेंगे। हम सर ओके देकर हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का स्वागत है। इसको सफल बनाना हम लोगों के लिए संभव नहीं है और विगत हर बार की तरह इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि बाद से हमें पूरा सहयोग मिलेगा। आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन यहाँ था, इसमें प्री लिटिगेशन स्तर के और वो मामले जो न्यायालय में लंबित हैं, दोनों प्रकार के मामलों को आज सुलह समझौते के आधार पर और फाइन वगैरह जमा कराने के आधार पर उनका निस्तारण हुआ है। जो प्री लिटिगेशन के स्तर पे जो मामले लगे हुए थे वो 42,089 मामले जो नियत किए गए थे, जिनमें से 35,138 मामलों का निस्तारण किया गया, जिसमें बैंक रिकवरी केसेस थे उनके 914 मामले जो सेटल हुए हैं, उसके सेटलमेंट अमाउंट है 2,74,73,546 रुपये, ये इसका सेटलमेंट अमाउंट है। और आज बैंक के रिकवरी के मामलों में बैंक ने ग्राहकों को 1,53,44,045 रुपये की छूट प्रदान करते हुए लोक अदालत का पूरा उनको फ़ायदा दिया है और 1,37,82,297 रुपये आज जमा कराए हैं, जिससे बैंक की भी एक बहुत अच्छी धनराशि आज नकद के रूप में जमा हुई है लोक अदालत में। इसके अतिरिक्त न्यायालय में 3105 मुकदमे लगाए गए थे क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस, जिसमें से 1741 केसेस निस्तारित किए गए हैं, उनमें अर्थदंड 1,59,445 रुपये न्यायालय में जमा कराया गया है। इसके अतिरिक्त दुर्घटना प्रतिकर के जो मामले होते हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम, उसमें 31 मामले लगाए गए थे, जिसमें से 21 मामलों का निस्तारण किया गया है, जिनमें से माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अकेले 11 मामलों का निस्तारण करते हुए 45,60,000 रुपये का प्रतिकरण उनके परिवार वालों को प्रदान किया गया है तथा शेष
अपर जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा 10 वादों का निस्तारण कर 25,80,000 रुपये का प्रतिकर दुर्घटना पीड़ित परिवारों को प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त कोर्ट द्वारा व प्रीलिटिगेशन दोनों मामलों को मिलाकर आज गोरखपुर जनपद में 37,126 वादों का निस्तारण हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और मुझे लगता है अभी तक की प्राप्त जानकारी जो हमारी अपने स्तर तक की है, अभी प्रदेश में अभी इतना आंकड़ा अभी किसी ने आज की लोक अदालत में टच नहीं किया है, जो कि हमारे लिए गौरव की बात है। और बाकी अभी रिकॉर्ड आ रहे हैं, हम उसको भी देखकर बताएंगे।